हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस नई वीडियो में बात करने वाले कि किस तरीके से दोस्तों आपको जहाँ पे डिवाइस रहता है इन्फिनिक्स का, तो दोस्तों आपने इन्फिनिक्स के डिवाइस के अंदर किस तरीके से यहाँ से ब्लूटूथ के कनेक्शन को डिसकनेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जो भी आपने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ अपने डिवाइस के साथ सिंपली उसको कैसे डिसकनेक्ट करना है, तो आज की इस नई वीडियो में बताऊँगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो सिंपली दोस्तों, आपको यहाँ पे क्या करना है ब्लूटूथ को डिसकनेक्ट करने के लिए, तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कई सारे इंटरफेस आपके सामने यहाँ पे जो आपका इन्फिनिक्स का फोन है इसके अंदर देखने को मिल जाता है। तो सिंपली दोस्तों यहाँ से आपको क्या करना है, जो यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलता है आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक किया और इस तरह का इंटरफेस मेरे को यहाँ पे देखने को मिल चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ से दोस्तों आपको सिंपली यहाँ से क्या करना होगा, तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने यहाँ से कई सारे ऑप्शन रहते हैं। यहाँ से करेंगे स्क्रॉल डाउन और यहाँ पे देखने को मिलेगा स्टोरेज, थीम, डिस्प्ले, साउंड एंड मोर कनेक्शंस, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो सिंपल दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना होगा, तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कई सारे ऑप्शन हैं, तो यहाँ से कर लेते हैं दोस्तों मोर कनेक्शन पर क्लिक। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो करेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ जो ब्लूटूथ का ऑप्शन है आपके सामने देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सिंपल दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ब्लूटूथ के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। और जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे ब्लूटूथ के ऑप्शन पे क्लिक किया, तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पे शो कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो सिंपल दोस्तों आपको यहाँ से क्या करना है, तो जो कि मेरा यहाँ पे कनेक्टेड डिवाइस शो कर रहा है, पेयर डिवाइस शो कर रहा है, तो सिंपली इसको डिसकनेक्ट करने के लिए सेटिंग्स पे क्लिक करना है उसको। और जैसे दोस्तों उसके सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉरगेट या फिर डिसकनेक्ट का ऑप्शन शो करेगा। तो सिंपली इसको फॉरगेट या फिर डिसकनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे फॉरगेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो सिंपली फॉरगेट पर क्लिक करेंगे आपका वो डिवाइस फॉरगेट हो जाएगा। तो फॉरगेट होने के बाद आपका वो डिवाइस डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।